जब पहना था मैंने मिक्स करके पहना था। इसमें कपड़ा लाके ड्रेस सिली थी, सिंपल डाला था गोल्डन कलर का। ये परी जूते पहनेगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जैसे कि परी का बर्थडे आ रहा है और ये वीडियो मैंने पहले ही शूट करके रख ली थी, पर परी के बर्थडे के बाद एडिट की है, तो इसलिए तो मैं ये आपको दिखाऊंगी मैं परी के बर्थडे पर क्या क्या तैयारी की थी और परी के लिए कौन कौन सी ड्रेस सेलेक्ट की, या फिर पूरे मार्केट घूमने के बाद एक ड्रेस पसंद आई थी, वो भी क्यूट से पटियाला सूट था, तो परी उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि बर्थडे के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो येलो कलर का मस्टर्ड कलर का सूट था, तो बहुत क्यूट लग रही थी परी। और आप परी की बर्थडे वाली वीडियो देखोगे तब आपको पता चल ही जाएगा परी कितनी क्यूट लग रही थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना परी की ड्रेस कैसी लग रही थी और मैंने क्या क्या पहना था, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत लेट आने वाली है, परी के बर्थडे के 3-4 दिन बाद ही टाइम मिला था, इसलिए एडिट करके मैंने पोस्ट करी है। और परी की बर्थडे की वीडियो भी 1-2 दिन एडिट करने के बाद ही मैं पोस्ट करूँगी। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पहना था और परी का कौन कौन सी ड्रेस के साथ क्या क्या मैचिंग की थी। तो ये परी का दुपट्टा है येलो कलर का पटियाला सूट का, छोटा सा, और कितना क्यूट लग रहा है ये देखो। इतना बड़ा दुपट्टा था, मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया और आपको दिखा भी दिया। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको परी की पटियाले सलवार, पंजाबी सलवार भी बोल सकते हो आप उसको। तो ये देखो कितना पटियाला सलवार है, कितने गेदर्स है इसमें और कितने अच्छे सलवट हो रहे हैं। ये पीछे से गेदर्स वाली सलवार है छोटे बच्चों की, तो कितने चुन्नट डाल रखे हैं इसमें और खूब मस्त सा लग रही थी सलवार। और ये लेस है पतली सी, तो परी पर बहुत ही जच रहा था ये सूट। तो आप वो बर्थडे वाली वीडियो में देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको परी का कुर्ता, जो पूरा हैंडवर्क का है, हैंडवर्क का काम करा हुआ है, बहुत ही क्यूट कुर्ता है और बहुत अच्छा लगा था परी पर। आप बताना कैसा लगेगा परी पर या लगा देखने के बाद। ये देखो नेक में हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क है, इसमें सीप, मोती, कुंदन सब कुछ जड़े हुए हैं और छोटे छोटे कुंदन भी लगे हुए हैं और छोटी छोटी बूटी भी हैंडवर्क की हो रखी है। ये देखो छोटी छोटी बूटी हो रखी है और ये दामन पर पूरा हैंडवर्क का काम किया हुआ है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ। और पीछे ये देखो चैन आई है, जो इसको आराम से हम खोल सकते हैं और ये डोरी है तो इसे फिटिंग के लिए बांध सकते हैं हम बच्चों की फिटिंग के हिसाब से। तो मुझे बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी ये। आपको कैसी लगी पटियाला सूट आप बताना मुझे कमेंट में। और ये परी की स्लीव्स है, इसके साथ स्लीव्स आई थी वो मैंने अटैच नहीं की, बहुत छोटी थी इसलिए। तो मैंने परी की ड्रेस दिखा दी है और मैं अब ये दिखाती हूँ परी आगे क्या पहनी थी, इनके साथ साथ क्या चीज़ कैरी करी थी। तो ये देखो नॉच पिन है छोटी सी, क्योंकि परी का नाक नहीं बिंदा हुआ है, तो ये ऐसे डालने वाली नॉच पिन है चिपकाने वाली, तो परी ने ये नॉच पिन पहनी थी नोज में। और इसके साथ परी ने ये टीका लगाया था, सिर्फ ओनली फॉर टीका लगाया था, कानों में या गले में कुछ नहीं पहना था, ओनली फॉर ये टीका लगाया था। टीका कैसा लगा आप बताना। इसके साथ के कानों के और गले का नेकलेस भी है, सिर्फ मैंने परी की टीका लगाया था। ये कुंदन और मोती का है नगीने का, बहुत क्यूट लग रहा है लगने के बाद। और आप परी की छोटी छोटी जूतियाँ लाई थी मैं, क्योंकि पटियाला सलवार सूट पर तो जूती ही अच्छी लगती है। तो जूती कैसी लगी परी की ये भी मुझे कमेंट में बताना। परी बहुत क्यूट लग रही थी इन सब चीज़ों के साथ वे। और ये अंगूठी है, अंगूठी में मैंने दुपट्टा डालकर बीच में सेट कर दिया था ऐसे, तो बहुत क्यूट लग रही थी, गला भी खाली नहीं रहा, दुपट्टा भी टिक गया था परी का, बहुत ही क्यूट लग रही थी परी। इस अंगूठी में आप भी एक बार ट्राई करना, अंगूठी में दुपट्टा डाल के गले में लगा कर। तो और अब मैं दिखाती हूँ परी ने परी के छोटे बाल है, तो परी के मैंने ये नकली चोटी डाली थी, अब तो ये उलझ गई है पूरी, पहले एकदम सुलझी हुई थी
कि उस दिन डाली थी तब ये सारी उलझ गई, तो मैंने इसके गांठ लगा दिए ताकि ये अब उलझे ना। और ये परांदा डाला था गोल्डन और ब्लैक कलर का, तो बहुत ही क्यूट लग रही थी परी। और चोटी डालकर मैंने, नकली बाल डालकर मैंने परांदा डाला था, बहुत सुंदर लग रही थी परी। तो ये वीडियो आप देखने के बाद आपको परी की बर्थडे की वीडियो बहुत जल्द मिलेगी ब्लॉग, और ये ब्लॉग के बाद शायद बीच में एक दो ब्लॉग दूसरे आ सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट ही परी के ब्लॉग बर्थडे वाला आएगा। ये परी की चूड़ी है, ये वाइट मेरे पास पहले रखी थी, और ये मैं गोल्डन कलर की, मतलब सॉरी, ये मैं मस्टर्ड कलर की चूड़ी ले आई थी, येलो मस्टर्ड है, तो दोनों को मिक्स करके मैंने परी को पहनाई थी, तो बहुत क्यूट लग रहा था। परी का हाथ में चूड़ी बहुत जच रही थी छोटी छोटी, तो मुझे भी बहुत पसंद आई। और ये रिंग पहनी थी परी ने फ्लावर्स वाली, आपने पहले देख रखी होगी तो। और ये बैक साइड मैंने ये एक फ्लावर्स वाली वो डाल रोज फ्लावर्स वाली पिन डाल दी थी टिकटॉक, बहुत क्यूट लग रही थी। अब मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या कैरी किया था। ये दुपट्टा है जो आपने बहुत बार मुझे देखा होगा कैरी किए हुए, तो ये मैं लगभग हर सूट पे मैच हो जाता है कि इसमें तीन कलर है, तो मैं ज़्यादातर ये दुपट्टा हर ड्रेस पे मैच कर लेती हूँ। मैंने प्लेन कपड़ा ला के सिला था सूट मेरा येलो मस्टर्ड कलर का, तो मैंने उस पर कैरी कर ली थी, तो बहुत क्यूट कैरी हुआ था, बहुत सुंदर भी लग रहा था। ये देखो इसमें तीन कलर आए, रेड पीला और ग्रीन कलर था, तो ये मस्टर्ड कलर का कुर्ता था येलो, ये देखो। और ये पाइपिंग लगा दी थी मैंने रेड कलर की इसमें, और बाजू में मैंने हल्की सी डिज़ाइन डाल दी बटन वाली, रेड पाइपिंग लगा के, रेड बटन लगा के, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये भी। और ये डोरी है गोल्डन कलर की, और नीचे दामन में ये लेस लगा रखी है, ये देखो ये भी तीन कलर की है, तो दुपट्टे पे बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छी खिल रही थी, जैसे दुपट्टे के मैच हो गई थी। तो इसमें तीन कलर थे येलो रेड और ग्रीन कलर थे, बहुत अच्छी ही लग रही थी। देखो इसमें भी तीन कलर है दुपट्टे में भी और लेस में भी, तो बहुत अच्छी लुक आई थी इसकी ड्रेस की। ये भी पटियाला सूट था, तो ये कुर्ता पूरा देख लो मैंने ऐसे किया था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ सलवार का घेर, पटियाला सलवार, वो भी बहुत ही यूनिक लग रही थी। ये देखो ये मेरी पटियाला सलवार थी, कितनी सुंदर लग रही थी, और ये मैंने घर में ही सिला था। और परी की तो रेडीमेड ड्रेस लाई थी, एक्चुअली क्या लाना कुछ और चाह रही थी, फिर मिला नहीं, तो मुझे पटियाला सूट पसंद आया तो मैं ले आई। ये मेरी जूती है जो मैंने नेक्स्ट ईद पर ख़रीदी थी, नेक्स्ट टाइम ख़रीदी थी ईद पर, तो वही मैंने कैरी करी थी परी के बर्थडे पर। और ये मैंने रेड कलर के, आपने मेरे कानों के बहुत बार देख चुके हैं, ये परी ने मुझे शादी की सालगिरह पे गिफ्ट किया था। और ये जो नॉच पिन अभी पहनी हुई है, यही नॉच पिन मैंने उस टाइम पहनी थी परी के बर्थडे पर, और वो कानों के भी मैंने परी के बर्थडे पर रेड कलर के पहने थे, बहुत अच्छा मैच हुआ था। और ये चूड़ी है जो चार कलर की है, इसमें चार कलर की चूड़ी मिक्स है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो ये तीन कलर ही दिख रहे हैं आपको, ये रेड है लाख की प्लेन चूड़ी है, फिर ये सीप की है येलो कलर की चूड़ी, इसमें सीप का भी काम और मोती का काम हो रखा है नगीनों का, तो इसलिए इसमें थोड़ी डिफरेंट है। और ये येलो चूड़ी है जो सिर्फ डायमंड का काम हो रखा है, और ये ग्रीन है इसमें कुंदन का और डायमंड का लहरिया काम हो रखा है, तो ये चार कलर के मैच, चार तीन कलर की चूड़ी है पर चार डिज़ाइन की चूड़ी मैं मिक्स करके मैंने पहनी थी। अभी तो ये पूरा सेट इधर उधर हो रखा है, बाकी जिस टाइम पहनी थी अच्छे से सेट बना के पहनी थी। आप परी के बर्थडे वाली वीडियो में देख ही लोगे कि मैं और परी कैसी लग रहे थे। तो ये मैंने चूड़ी पहनी थी, इस सारी मैंने आपको दिखाया हमने क्या क्या कैरी किया परी के बर्थडे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया है हम क्या क्या पहनेंगे, क्या क्या नहीं पहना था, जो भी कुछ था जो हमने दिखा दिया आपको। और परी की बर्थडे की वीडियो डिले हो रही है क्योंकि ब्लॉग सारे लेट आ रहे हैं, क्यों एडिट करने के लिए बहुत सी वीडियो रखी है फ़ोन में पर एडिट का टाइम नहीं मिला इसलिए मुझे। और मैं कोशिश करूँगी टाइम पर वीडियो डालने की, और आपको ऐसे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।
अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो टाइम पर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत से काम हो जाते हैं। परी की शॉपिंग भी की, वो भी की, तो टाइम नहीं मिला एडिट करने के लिए। फ्री होकर एडिट करके आपके साथ सारी वीडियो पोस्ट करूँगी। मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। बैक कैमरा कर दिया है मैंने, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। ये देखो कितनी सुंदर मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल रिमझिम रिमझिम बारिश। आपको दिख नहीं रही होगी पर बारिश का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो हमारे यहाँ पर तो मैंने आपको सोचा आपके साथ मौसम भी शेयर कर दूँ। और मैंने सोचा था कि परी की वीडियो टाइम पर डालूँगी पर नहीं डाल पाई, कोई बात नहीं। और परी की वीडियो भी बर्थडे की बहुत जल्दी आएगी, आप उसे भी ढेर सारा प्यार सपोर्ट देना, उस ब्लॉग को भी। तो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। और आज मेरा लुक कैसा लग रहा है आप मुझे बताना, ये ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट में बताना। तो ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, गले में थोड़ी। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा बाहर का मौसम कैसा था, बहुत ही अच्छा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं। और परी की वीडियो बहुत जल्दी आएगी बर्थडे की, और मैं कोशिश करूँगी टाइम पर ब्लॉग डालने की, रोज़ाना ब्लॉग डालने की। अभी बहुत से ब्लॉग छूट रहे हैं मेरे, तो मैं कोशिश करूँगी टाइम पर डालूँ और आप सबको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। लाइक करना शेयर करना। और तो ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो मेरे साथ, ऐसे चलते रहो। बाय, गुड।